तो यही है भाई साहब व्हाइट शर्ट वाले जिनका चोरी हुआ है अभी 40,000 रुपया इसी एसी बोगी ट्रेन से। राजू सामान ही ले रहा है, ट्रेन खुलने वाला है, हॉर्न लग गया है ट्रेन का, जल्दी जल्दी जल्दी। तो फाइनली अभी पहुंच गए हैं दिल्ली जंक्शन। भाई कैसे कैसे पहुंचे हम लोग को नहीं पता, हम लोग को लगा कि ट्रेन छूट जाएगा। क्या नीतीश, ऑटो वाला बढ़िया भाई, अगर ऑटो से नहीं होते, अगर कार वगैरह से होते तो नहीं निकलते हम। भाई साहब ये देखिए यमुना के हालात, पूरा भर गया पानी पूरा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो अभी हम दिल्ली में हैं, पिछला 2 दिन से दिल्ली में है और हमारा जो जर्नी था वैष्णो माता का वो कंप्लीट हो गया, और उसके बाद हमारा हरिद्वार और ऋषिकेश मसूरी का जर्नी था वो हुआ नहीं, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है पहाड़ी इलाकों में, इस वजह से सब ट्रेन कैंसिल हो गया। तो 2 दिन से वेट कर रहे थे दिल्ली में बैठ के कि अगर इनकेस बारिश कम हो जाता है तो हम फिर निकल जाएंगे, लेकिन माहौल सही नहीं है, अभी भी हाई अलर्ट पे है हर जगह। तो आज हमारा प्लान होता है कि अब हम वापस बिहार चलते हैं। तो अभी सुबह के 8:30 या 9 बज रहे हैं, 8:30 हो रहे हैं, हमारा 1 बजे से ट्रेन है दिल्ली से। तो अब बाय बाय दिल्ली को कहने का मौका आ गया, तो आज चलते हैं वापस बिहार और फिर वहाँ कुछ धमाल मचाते हैं, बहुत माहौल बना हुआ है बिहार में। तो चलिए फिर, अभी आनंद भाई कुछ खाना वगैरह बना रहे, खा लें क्योंकि भूख भी लगेगा, और बाहर का खा खा के हम लोग तो थक गए एकदम, ऑयली वेली खा के। तो जल्दी से कुछ सामान पैक करना है, पैक होगा उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। ये देखिए पूरा रात को हम लोग यहाँ सोए हुए थे भाई, सामान वान पैक कर लिए, पूरा पैकिंग वगैरह हो गया हमारा, और निकलते हैं। सब कुछ चार्ज वगैरह कर रहे हैं कि जल्दी से चार्ज हो जाए, फ़ोन तो थोड़ा चार्ज है, बैटरी वगैरह और जो है कैमरा का। तो तैयार हो चलने के लिए? हाँ, बहुत वेट कर लिए हम लोग, लेकिन मौसम आज मौसम सही हो रहा है, जब हम टिकट करा लिए तब मौसम सही हो रहा है। अभी हम लोग निकल रहे हैं और अभी 11:30 हो रहा है, तो जल्दी से निकलते हैं क्योंकि 12:50 में हमारा ट्रेन है, तो उससे पहले हमको नई दिल्ली स्टेशन पहुँचना होगा। तो दिल्ली में आपको जल्दी से जल्दी अगर कहीं पहुंचना है तो या तो आप ऑटो ले लो या फिर रैपिडो ले लो, कैब मतलब कैब लोगे तो फंस जाओगे जाम में, आईटीओ अभी पूरा जाम, इसलिए हम लोग ऑटो लिए। भाई साहब ये देखिए यमुना के हालात, पूरा भर गया है पानी पूरा पूरा, जो नीचे स्तरीय के लोग हैं उनको ऊपर बुला लिया गया है, इसलिए बताया जा रहा है कि यमुना अपने मतलब खतरे के निशान से ज़्यादा ऊपर बह रही है। यमुना नदी पर जाम देखिए, इसी वजह से हम लोग ऑटो लिए कि थोड़ा सा जल्दी पहुँच जाएंगे, मेट्रो में बहुत और टाइम लग जाता हम लोग को इधर उधर चेंज करने में, और यहाँ भी बहुत जाम है अभी। तो फाइनली अभी पहुँच गए हैं दिल्ली जंक्शन। भाई कैसे कैसे पहुँचे हम लोग को नहीं पता, हम लोग को लगा कि ट्रेन छूट जाएगा। क्या नीतीश, ऑटो वाला बढ़िया भाई, अगर ऑटो से नहीं होते, अगर कार वगैरह से होते तो नहीं निकलते हम, फंस जाते, कैब से रहते ना फंस जाते। लेकिन शुक्रिया आ गए, 10 मिनट पहले पहुँचे हैं अभी हम लोग, अभी निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं प्लेटफॉर्म पे। तो ये है दिल्ली, नई दिल्ली स्टेशन, खुशी अंदर से निकल रहा है कि भाई पहुंच गया हम लोग टाइम पे। और ये नीतीश राजू आगे आगे जा रहा है सब। तो इसमें हमारा सीट है सबसे ऊपर, मिडिल बर्थ, और साइड अपर है, हम लोग 3 जन आ गए हैं, बहुत मुश्किल से हमारा ट्रेन पकड़ा है, नहीं तो हम लोग रह जाते दिल्ली में ही, फिर परसों का टिकट होता क्योंकि तत्काल कराते फिर जाते। 15 इधर ही है क्या? भाई इसमें बहुत भीड़ है भाई, जनरल के लिए लोग पता है पहले से चलती ट्रेन में चढ़ रहे थे, एसी भी 3 टायर भी आपको वो हो गया है, स्लीपर जैसा फील हो रहा है, सामान वगैरह सब ठूस दिए हम लोग नीचे एकदम। ये व्हाइट शर्ट वाले भाई अभी सऊदी से आ रहे थे, तो इनका बैग तो मिल गया है, लेकिन बैग में 40,000 रुपया था वो चोरी हो गया, पुलिस अभी जांच कर रही है इनके आगे आगे, पुलिस भी जा रही है चेक करने। उस दिन पता है स्लीपर में बहुत चोरी हुआ था, लैपटॉप चोरी हो गया, अभी भी किसी का बैग गायब हुआ, उसमें से पैसे गायब हो गए, तो सब कोई अपना एक्टिव है भाई, बैग वैग लेके बैठी है, हम लोग भी पूरा एकदम लेके बैठ रहे हैं। हम लोग पता है जम्मू तावी से जब हम लोग जा रहे थे, तो नहीं दिल्ली से जब हम लोग जम्मू तावी जा रहे थे, उस समय रात को स्लीपर से लैपटॉप मोबाइल सब कुछ गायब हो गया था, मतलब 20-25 मोबाइल के आसपास गायब हुआ था उस दिन। तो यहाँ देखिए साइड ऊपर पे कौन कौन सा है, नीतीश भूख लगा है भाई, भाई मैगी वाला जा रहा था, मैगी वाला को रोक रहा है लोग, देखिए इधर और चाय वाला जा रहा था, चाय वाला को रोक रहा है, लेकिन खरीदार कुछ नहीं रहा है। तो भाई कहाँ उतरना है, छपरा सिवान गोरखपुर? हमको गोरखपुर। तो फिलहाल कानपुर में मजे ले रहे हैं हम लोग, ट्रेन बहुत टाइमली चली, सिर्फ 15 मिनट लेट है हमारी ट्रेन, और 5 मिनट का स्टॉपेज मिला है, तो हुआ थोड़ा सा बॉडी वॉडी सीधा कर लिया जाए,
कहे कि दिल्ली के बाद सीधा इसका कानपुर में स्टॉपेज था, मतलब डायरेक्ट 400 किलोमीटर बाद। राजू सामान ही ले रहा है, ट्रेन खुलने वाला है, हॉर्न लग गया है ट्रेन का, जल्दी जल्दी जल्दी। पता चला हम लोग कानपुर में ही रह गए, मारेंगे कान के नीचे टोगे, कहीं और वाला सीन हो जाएगा गाइस। अभी दवा खाया है राजू फीवर का, और देखिए कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। खाया कि नहीं तुम दवा? अभी पी रहा था, खाया कि नहीं दवा? दवा नीतीश ही दिया है, बताओ। तुम अभी कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, फिर थोड़ी देर बाद दो कंबल ओढ़ के सोएगा। किसी का घूंट गिर रहा है, बताइए कैसे काम चले, कि कौन कितना घूंट पी रहा है, काउंट कर रहा है। आपको भी अपना हिस्सा मिलना चाहिए। तो बाहर पूरा बारिश हो रखा है एकदम, और हम लोग उतरे हैं कि यहाँ 10 मिनट का ब्रेक है, ऐसा राजू बताया है क्या यार। लेकिन ट्रेन हॉर्न दे रहा है यार, दूसरी ट्रेन दे रही है क्या हॉर्न? तो रात में ट्रेन रुकती है उसका मजा अलग है। हमारा बोगी एकदम जस्ट बगल में है, तो यहीं से कूदेंगे और फिर चल जाएंगे अंदर। बहुत सारे लोग जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ वैसे वीडियो बनाते हैं मोबाइल से चलती हुई ट्रेन में, तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि ऐसे ही टाइम पे सबसे ज़्यादा मोबाइल छीना जा रहा है आजकल दिल्ली साइड में, और छीन के वो लोग निकल जाते हैं, अब ट्रेन तो रोक नहीं सकते। तो फाइनली अभी हम लोग 4:30 में पहुँच गए हैं सिवान जंक्शन, और नीतीश का टिकट है छपड़ा तक, 7 आदमी का टिकट छपड़ा तक हुआ था, लेकिन इकलौता बारिश है जो सिवान जा रहा है, छपड़ा जा रहा है। राजू भी यहीं उतर गया, क्या उदास लग रहे हो? खुश है, बहुत खुश। तो फाइनली सिवान, मतलब हमारा जर्नी सही रहा, लेकिन थोड़ा सा जो हमारा हरिद्वार वगैरह का ट्रिप था वो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अब बिहार में धमाल मचाएंगे, यूपी और नोएडा धमाल मचा के आ गए हैं। तो चलिए फिर, अभी हमारा गाड़ी बाहर लगा हुआ है, गाड़ी में चलते हैं और फिर निकलते हैं गाँव के लिए, ठीक है, फिर मिलते हैं। तो अभी घर पहुँच गए, एक अलग सुकून मिल रहा है घर आके, प्रॉक से 15-20 दिन का जर्नी था, बीच में एक आध दो दिन के लिए आए थे घर, फिर निकल गए थे, और अभी यहाँ भी मौसम एकदम ठंडा किया, उधर से तो हम लोग बारिश झेलते हुए आए हैं दिल्ली में और जम्मू तावी सब जगह पे, जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ भी मौसम अभी बना हुआ है, लेकिन बहुत सुकून मिल रहा है अभी आके। तो ये है अपना घर, और देखिए वहाँ पे काका लोग सब सही कर रहे हैं एकदम, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से भी यहाँ घास वगैरह हो गया, हम लोग थोड़ा सा जगह ये छोड़े हुए हैं ताकि घास वगैरह पेड़ पौधा लगाएंगे। ये है हमारा गली 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 गली। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और थोड़ा सा रेस्ट चाहिए हम लोग को, क्योंकि आवाज़ भी बहुत गंदा निकल रहा है सर्दी खांसी की वजह से। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।